हाय गाइस, मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जी बता देती हूँ। उनका रोज हार्ट चक्रा एक्टिवेट हुआ है, तो स्पिरिचुअल बीइंग्स जो हैं वो इनर वर्ल्ड बीइंग्स हैं, ये बात मैस्कुलिन समझ चुके हैं और कम्प्लीटली अपना फोकस एनर्जी इनवर्ड की तरफ पुल कर रहे हैं। स्पिरिचुअल बीइंग्स जो हैं वो सोल बीइंग्स होते हैं, जो सोल से ऑपरेट करते हैं। तो जो भी सवाल था आपको, हु एम आई, तो उसका आंसर आपको मिल रहा है। ध्यान से सुने, अपने सोल की सुने। और डायमेंशंस आर फ्रीक्वेंसी कॉन्शियसनेस, तो आपको हाई डायमेंशन में जाने के लिए अपना फ्रीक्वेंसी भी ये करना होता है। तो मैस्कुलिन समझ चुके हैं कि लव इज़ बाउंडलेस, तो कम्प्लीटली एक स्टेलर गेटवे एक्टिवेट हो चुका है आपके अंदर, मैस्कुलिन्स के अंदर, दोनों के अंदर। पॉजिटिविटी जो है वो पॉजिटिव फोकस जो है वो एनर्जी जो है वो इनवर्ड में स्पाइरल में घूमता है। तो फेमिनाइन अपना एनर्जी जो है स्पाइरल में अपवर्ड की तरफ इनर वर्ल्ड में ले जाएं, पॉजिटिव फोकस रखें, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रखें। इनर वर्ल्ड जो है वो रियल है, ये बात मैस्कुलिन समझ चुके हैं। तो अबंडेंस कॉन्शियसनेस आ रही है उनके अंदर, डिविनिटी कॉन्शियसनेस भी आ रही है। फीलिंग कॉन्शियसनेस और डिविनिटी कॉन्शियसनेस मैस्कुलिन के अंदर मर्ज हो रही है, और ट्रूथ कॉन्शियसनेस भी जो है वो इंक्रीज हुई है, जिसके वजह से आप कम्प्लीटली एक इनर वर्ल्ड ट्रूथ को समझ चुके हो। और सोल जो है, मिशन जो है वो इनसाइड जॉब है, जो आप कर रहे हो वो इनसाइड जॉब है। इस चीज़ को याद रखें, स्पिरिचुअल सोल्स मैस्कुलिन जो हैं वो अबंडेंस फील कर रहे हैं अपने अंदर से। तो आप अपने खुद के गैलेक्टिक फैमिली हो, असेंशन कोड्स अनलॉक हुआ है, ट्रिनिटी कॉन्शियसनेस आई है, जो मैंने बताया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा, तो ये कॉन्शियसनेस आई है। फॉर एग्जांपल फादर सन एंड द होली स्पिरिट, ट्रिनिटी कॉन्शियसनेस बोलते हैं। ट्रू पोटेंशियल आपका एक्टिवेट हुआ है, इनर वर्ल्ड जो है वो कम्प्लीटली पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है मैस्कुलिन्स की। सोल कॉन्शियसनेस में आए हो, सोल से ऑपरेट कर रहे हो। क्रिएटिविटी और पैशन इंक्रीज हुई है मैस्कुलिन्स की भी। मिशन कॉन्शियसनेस में आए हो, तो मिशंस जो है वो इनर वर्ल्ड हायर सेल्फ की होती है, तो आप इनर वर्ल्ड से करते हो, अपने हायर सेल्फ से करते हो मिशन को। सैक्रल चक्रा अनलॉक हुआ है इनवर्ड से, अंदर से फ्लोर आपकी एनर्जी इस बार सैक्रल चक्रा इनवर्ड की तरफ स्पाइरल में ही घूम रहा है, ऊपर की तरफ। कॉन्शियसनेस जो है वो आपकी आइडेंटिटी है, तो उसको हमेशा होल्ड रखें। स्पिरिचुअल सोल्स जो हैं वो सेफ और प्रोटेक्टेड होते हैं हमेशा, उनके अंदर अबंडेंस होती है। तो आप इनर वर्ल्ड बीइंग हैं, इस बात को याद रखें। मैस्कुलिन्स जो हैं वो इनर वर्ल्ड प्रीशियस है, ये समझ चुके हैं। तो इनर सेल्फ में कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं, उनकी कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुई है। प्रेजेंट कॉन्शियसनेस में आए हो आप लोग, तो आउटर वर्ल्ड जो है वो आपका मिशन नहीं है, तो इनर वर्ल्ड से ही ऑपरेट करना है। लव इज़ यूनियन, लव आपको यूनियन की तरफ ले जाता है, तो आपका सैक्रेड जॉब है सोल मिशन, जो आप इनर वर्ल्ड से करते हो, इनर वर्ल्ड मिशन होता है आपका। इनर वर्ल्ड जो है वो पैरेलल यूनिवर्स है, तो सरेंडर टू डिवाइन सोर्स। पॉजिटिव चक्रा जो है वो ट्री ऑफ लाइफ है, तो आपका पॉजिटिव चक्रा इनर वर्ल्ड की तरफ फ्लो हो रहा है, जो कि इमॉर्टल और इटर्नल को रिप्रेजेंट करता है। तो यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स ही आपके अंदर है, फील करें, महसूस करें। आपका प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मर्ज होकर डांस कर रहा है ब्यूटीफुली, उसको महसूस करें। पोर्टल पुश कर रहा है आपको इनर वर्ल्ड की तरफ, तो फिर से पोर्टल्स जब भी खुलते हैं तो आप और ज़्यादा इनर वर्ल्ड की तरफ चले जाते हो। लिक्विड लाइट बॉडी आपका एक्टिवेट हुआ है, न्यूट्रल फीलिंग्स भी आई है, कुंडलिनी अनलॉक हुई है, सेल्फ एक्सेप्टेंस में आए हो, तो एनर्जी फ्रीक्वेंसी वाइब्स ये सब आपका न्यू लैंग्वेज है। कॉस्मिक ब्लिस फील कर रहे हैं मैस्कुलिन्स,
ओके गाइस, ये मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जी है। अब मैं आपको कुछ गाइडेंस दे देती हूँ। आज मैं आपको कुछ ट्रूथ बता देती हूँ, यूनियन यूनियन बताती हूँ। यूनियन मींस आप जैसा समझ रहे हो वैसा यूनियन नहीं है, ये स्पिरिचुअल यूनियन है, ये सोल यूनियन बोलते हैं इसको, जो हम अंदर से फील करते हैं। आपका जो रिलेशनशिप खुद के साथ है, जो आपका फीलिंग खुद के साथ आप फील करते हो, वो इटर्नल है, वो इमॉर्टल है। तो इनर वर्ल्ड फोकस जो है वो हमेशा इनवर्ड में फीलिंग फ्लो होता है, आपका जो फीलिंग है वो इनवर्ड में फ्लो होता है। तो इससे सेल्फ करेज आपकी बढ़ जाती है। तो आप खुद के सोल हो इस बात को हमेशा याद, आप सिर्फ सोल हो, बॉडी नहीं हो, इस बात को याद रखने से कॉन्शियसली आप इसको पकड़ के जब चलते हो इनर वर्ल्ड को, तब डिविनिटी आ जाती है आपके अंदर। आपका सोल जो है वो हायर सेल्फ से ऑपरेट कर रहे होते हो आप। तो हैप्पीनेस जो है वो इनसाइड जॉब है, जो हमेशा हमेशा रहती है, हमेशा ही रहती है, बाहर नहीं है, वो हमेशा अंदर ही मिलेगी आपको। जिस तरह से सेल्फ लव अंदर मिलती है, पैशन अंदर मिलता है, सब कुछ आप ही का फीलिंग है। आपका इनर यूनिवर्स बहुत ही प्रेशियस है। जो भी आप करते हो प्यार से करें, लव फ्रीक्वेंसी में करें, बाउंडलेस लव फ्रीक्वेंसी में करें। एक ही वर्ल्ड है जो कि इनर वर्ल्ड है, तो एनर्जी हमेशा इनर वर्ल्ड में फ्लो होनी चाहिए। और ये ट्रूथ है, हमेशा ट्रूथ पकड़ के चलें, सच पकड़ के चलें। आउटर वर्ल्ड जीरो में है, जीरो में रखें, ओमेगा ओमेगा में रखें, पावरलेस है, तो न्यूट्रल फीलिंग होती है वहाँ पे, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी, आपका बाउंडलेस लव फ्रीक्वेंसी जो है वो इनर वर्ल्ड ट्रूथ है, और वही एक सच रियल यूनिवर्स है। तो आप हमेशा अबंडेंस फील करते हो जब आपकी सोल यूनियन हो जाती है। यू फील अबंडेंस आपके इनर वर्ल्ड में, अंदर से अबंडेंस, बाहर से नहीं। जब भी आप जब अपने साथ प्यार होता है तो सब कुछ ब्यूटीफुल नज़र आता है। तो खुद के साथ जब आपको प्यार फील होता है तो आप एक न्यूट्रल फीलिंग रखते हो, तो हर चीज़ ब्यूटीफुल लगती है। जब भी न्यूट्रल फीलिंग में आते हो तो आपको हर चीज़ ब्यूटीफुल लगती है, वननेस में लगती है। तो इससे आपकी क्रिएटिविटी इंक्रीज हो जाती है आपके अंदर की। तो सेल्फ लव फीलिंग जो है वो ट्रू पावर है, बाउंडलेस लव जिसे बोलते हैं, मैनिफेस्टेशन लव एनर्जी बोलते हैं। तो सेल्फ लव बहुत कुछ, सेल्फ लव फीलिंग जो है वो बहुत कुछ आपको करने, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स की तरह होते हैं वो आपके। लव जो है वो हमेशा वन साइडेड इनर फीलिंग होता है। ट्रस्ट, अपने सेल्फ लव पे ट्रस्ट रखें, अपनी एबिलिटी, करेज, अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, सोल, हायर सेल्फ पे ट्रस्ट रखें। इससे आपका चक्रास जो हैं आपके इनर वर्ल्ड में मर्ज होकर आपकी ट्रू, आप फील कर पाते हो ट्रूथ को, बोल पाते हो अबाउट इनर वर्ल्ड, ट्रूथ कॉन्शियसनेस में रहते हो, वहाँ से ऑपरेट करते हो। तो जब भी आपकी, आप पॉजिटिविटी इन एनर्जी में आते हो तो यांग एनर्जी जो है, जब आप इनर वर्ल्ड में पॉजिटिव फील करते हो तो यांग एनर्जी जो है आपके साथ मर्ज होकर फ्लो हो जाते हैं इनवर्ल्ड की तरफ, इनर वर्ल्ड में। तो ये आपको बहुत ही, इसको इन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन बोल दीजिए, या फिर इन एनर्जी यांग एनर्जी, या फिर मिर्खबा बोलिए, या कुंडलिनी बोलिए, कोई भी चीज़ आप नाम दे दें इसको। ये ट्री ऑफ लव है, लाइफ है, जो जो आपको इटर्नल इमॉर्टल की तरफ ले जाता है। जब आपके अंदर का जो ये दोनों एनर्जी जो है बैलेंस में आती है, तो आप कंप्लीटली एक कंप्लीट बन जाते हो, आपके अंदर एक होलनेस आ जाती है, जिसके वजह से आप अपने आप के ही गैलेक्टिक फैमिली, इनर गैलेक्टिक फैमिली से मिल पाते हो। तो आपका जो सारे ही असेंशन कोड्स जो हैं अंदर के, सारे ही एक्टिवेट हो जाते हैं और आपके अंदर बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आ जाते हैं। ओके गाइस, बाय, टेक केयर।